नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, और वो क्या कह रहा है, cot माइनस 15 पाई, मतलब कि cot माइनस 15 पाई अपॉन 4, यही तो कह रहा है, माइनस 15 पाई अपॉन 4, यही कह रहा है। अब क्या करेंगे इसको वो देखिए, cot है, अब यहां पर क्या चीज करेंगे जो कि इसके ज्यादा वो करीब हो, मेरे से 15 के ज्यादा करीब हो और वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 15 के करीब 4 का मल्टीपल, तो 16 ज्यादा करीब है, हाँ या ना, 16 जो है वो ज्यादा करीब है, तो करेंगे क्या हम लोग, करेंगे ये कि अगर हम लोग यहां पर अगर 4 पाए अगर हम लोग कर दें तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से हमको जो है ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 4 × 16 और -1 होगा तो 15 हो जाएगा, ये हाँ ये हो जाएगा, लेकिन ये अभी जो ये बचेगा तो ये बचेगा +15 में, क्योंकि 4 × 16 पाए होगा और -1 होगा तो 15 पाए / 4 बचेगा ये, और ये प्लस में बचेगा, लेकिन हमको बचाना है माइनस में, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस में है ना, हाँ तो कैसे किया जाए, तो एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि यहां से जो है आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, यहां से जो है आप पूरे में से माइनस को कॉमन कर लीजिए और अब जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, क्योंकि 4 × 16 − 1 = 15 / 4 बचेगा और एक माइनस यहां पर है ये लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो ऊपर में दिया गया है 15, इसके करीबी ढूंढते हैं नंबर जो कि 4 का मल्टीपल है, ठीक है, उसके करीबी मल्टीपल आपको ढूंढना है और वो किसके नजदीक हो, तो जो 4 के ज्यादा नजदीक हो वही होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो ये माइनस है ये क्या होगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये माइनस को कौन बचा सकता है, केवल कॉस, ठीक है, कॉस को हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन, और केवल वही बचा सकता है बाकी कोई नहीं, तो ये माइनस को जो है बाहर निकाल देगा और ये फाइनली ये बच जाएगा इतना। अब ये जो है फंक्शन को तो पहले ये चेंज होने देगा नहीं, चूंकि ये 4π है, 4π वहां होता है, फंक्शन को चेंज नहीं होने देगा, बच गया ये −π/4, ऐसा −π/4 यही तो बचा, यही बचा, बिल्कुल यही बचा, और इसके बाद ये माइनस फिर से यहां से बाहर निकलेगा और इसको कर देगा प्लस और बच गया ये π/4, यानी कि ये π/4 बचा, यानी कि ये कितना बचा, cot 45 का मान, और cot 45 का वैल्यू कितना होता है सभी जानते हैं, कितना होता है 1, ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा आपका, 1 निकल जाएगा।